हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है इसमें हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं क्या वो सच में आपको प्यार करते हैं या फिर ये सिर्फ आपके आपके मन में ऐसा चल रहा है कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं और या फिर वो सच में प्यार करते हैं। तो आज मैंने यहाँ दो ऑप्शन लिए हैं। पहला कार्ड है एट ऑफ हार्ट, दूसरा कार्ड है एस ऑफ क्लब्स। तो दोनों में से जो भी आपको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, अगर आपको ये रेड कलर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ग्रुप वन की रीडिंग देखिए, और अगर आपको ये पिंक कलर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ग्रुप टू की रीडिंग देखिए, या फिर एट ऑफ हार्ट या एस ऑफ हार्ट। इस तरीके से हो रहा है आपके आपको जो भी दोनों में से जो इंट्यूटिवली अपने पर्सन के बारे में सोचिए और इंट्यूटिवली ही सिलेक्ट करिए। हेलो ग्रुप नंबर वन, जिन्होंने ये एट ऑफ हार्ट चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन वाकई में आपको चाहते हैं या फिर ये आपके मन की जो है उपज है। ठीक है, ये देखते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उन्हें सच में क्या उन्हें सच में प्यार करते हैं? जिन्होंने भी ग्रुप वन सिलेक्ट किया है एट ऑफ हार्ट, क्या उनके पर्सन उन्हें सच में प्यार करते हैं? पहला ही आया है यहाँ टेन ऑफ हार्ट, बहुत पॉजिटिव है। फोर ऑफ क्लब्स, फाइव ऑफ स्पेड। ठीक है, पर आप दोनों के बीच में लग रहा है सेपरेशन है। सिक्स ऑफ हार्ट प्यार है, पर टू ऑफ क्लब्स और सेवन ऑफ डायमंड। जैक ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ हार्ट। ठीक है, आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, हो सकता है आप बड़े हैं, आपके पर्सन छोटे हैं, या फिर एज गैप है आप लोग के बीच में। आप दोनों के बीच में जो है मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त तो सेपरेशन हुआ है, और सेपरेशन का रीज़न ये है कि सोशल रीज़न की वजह से हुआ है, समाज की वजह से हुआ है, या फिर हो सकता है ये पर्सन जो है अपना टाइम एनर्जी आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है उनके लाइफ में कोई मजबूरी है, उसकी वजह से नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो पर्सन है आप दोनों के बीच में, मुझे लग रहा है कि पास्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था एक दूसरे से, जैसे एक ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन होता है वैसे आपके और आपके पर्सन के बीच में था, बहुत स्ट्रॉन्ग लव। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी के भी सपने देखे थे, एक दूसरे को पूरा कमिटमेंट दे दिया था। ठीक है, आपने और इस पर्सन ने जो आपके साथ रिलेशनशिप है वैसा प्यार आपके पर्सन ने दूसरे किसी से नहीं किया। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि मैरिज तक आप लोग की बात पहुंची थी, पर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, कुछ समाज का प्रॉब्लम, सोसाइटी स्टेटस, ठीक है, या फाइनेंशियल हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ। तो इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि टाइमिंग का प्रॉब्लम हुआ है, कुछ टाइम से रिलेटेड आप दोनों के बीच में इशू हुआ है। हो सकता है जैसे मैंने बताया एज डिफरेंस का इशू हो सकता है, या फिर जो है जो आपके पर्सन के पेरेंट्स हैं उन्होंने नहीं माना, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या ये पर्सन आपको प्यार करते हैं? देखिए, इस पर्सन के दिल में इमोशंस है, पर इनको ऐसा लगता है कि अभी जो है वो सही वक्त नहीं है कि वो आपसे ये कम्युनिकेट करके अपने दिल की बात आपको बोले। ठीक है, आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग है, पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स है। आपके पर्सन के ऐसे भी मुझे थॉट्स लग रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे
किसी अगर रिलेशनशिप में टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, क्या मुझे भी वैसे ही प्यार मिलेगा कि नहीं, तो ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं और जिस वजह से ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। मतलब कोई आप या आपके पर्सन में से कोई एक ऐसा है जो जिसके मन में ये वाले थॉट भी हैं कि क्या मैं जो ये मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने इमोशंस, अपने एनर्जी, अपना पैसा, ठीक है, जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसके बदले मुझे वो मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो इस रिलेशनशिप में रहने का कोई भी मतलब नहीं है। प्यार है, डेफिनेटली प्यार है, पर प्रैक्टिकल लेवल में भी सोचा जा रहा है। आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल लेवल में भी सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा ये पसंद है कि आप दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। आप बहुत, हो सकता है बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप सिचुएशन को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, ठीक है। आप लोग, हो सकता है कि ट्रैवलिंग में भी साथ में गए थे, मुझे ऐसा कुछ व्यू लग रहा है जैसे कार में कन्वर्सेशन हो रहा है, इस तरीके से आप दोनों का बहुत अच्छा ऐसे बॉन्ड बना था, ठीक है। पर एक दूसरे को टाइम नहीं देने की वजह से ही आप दोनों का रिलेशनशिप जो है अभी ब्रेकअप के सिचुएशन में है। पर मुझे, जैसे कि आप देख सकते हैं, 5 of spades को कवर कर रहा है 7 of diamonds, तो इस पर्सन के दिल में अभी भी उम्मीद है। ये जो है सेपरेशन एंड करके ये आपके तरफ वो टाइम एनर्जी अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या फिर आपको बाहर कहीं डेट पे बुला के, इस तरीके से आपके पर्सन सोच रहे हैं। देखिए, इनके दिल में अभी भी आपके लिए कितना इमोशनल कनेक्शन है, और ये सोचते हैं आपके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपसे अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन उन्हें प्यार करते हैं? जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन उन्हें प्यार करते हैं? स्टार, आप अपने पर्सन के नज़रों में बहुत एक अलग पर्सन हो, ठीक है। एक अलग पर्सन हो मतलब आप भीड़ से बिल्कुल अलग दिखते हो। आप में बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज हैं, आपके पर्सन को ये पसंद है। और यहाँ मैंने आपको साइन नहीं बताया था, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीस, लियो, सेजिटेरियस स्ट्रांग है, ठीक है। देखिए, ये पर्सन आपके साथ एक सॉलिड, उनको लगता है कि आपके साथ जो फ्यूचर है वो बहुत ही स्टेबल सॉलिड होगा, ठीक है। ऐसा आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स है, और आप में बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज है। आपसे बात करके आपके पर्सन को अगर कोई टेंशन होती है तो वो हील कर पाते हैं खुद को। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन उन्हें प्यार करते हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इनका दिल जो है वो आपके लिए बहुत कमिटेड है। जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको प्लेइंग कार्ड्स में बताया, कमिटेड है, पर बहुत ज़्यादा स्लो सब कुछ आप दोनों के बीच में चलता है, और जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। यहाँ हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, यहाँ 7 of spades है, या फिर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है, इनके रियल, इनके दिल में क्या है वो आपको पता करने में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आती है। मतलब ये पर्सन अपने रियल फीलिंग्स आपको कभी भी नहीं बताते हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, अगर ये दूसरे किसी और रिलेशनशिप में है तब भी, देखिए जैसे इस पिक्चर में डिपिक्ट है, ठीक है, इनका फोकस दूसरे पे है, ठीक है। वो अदर पर्सन आप हो सकते हो, यहाँ पर है 7 of wands, 2 of swords और जस्टिस, ठीक है। काफी लोगों के लिए हो सकता है कोई लीगल रिलेशनशिप है, लीगल रिलेशनशिप है आपके पर्सन का ऑलरेडी किसी और से, मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ कि इनके पास दो रास्तों के बीच में आपके पर्सन जगल्ड है, और उस वजह से ये डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी ये पर्सन जो है वो आपको चाहने के बावजूद,
ठीक है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा टाल सकते हैं उतना टाल रहे हैं, क्योंकि ये अभी शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने टाइम और एनर्जी आपके तरफ इन्वेस्ट कर पाए, और जिसकी वजह से ही आप दोनों के बीच में ठीक तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। पर देखिए, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल भी आया है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की यहाँ ज़रूरत है। और अभी ये पर्सन जो है, अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ टाइम लगेगा, पर ये पर्सन डेफिनेटली आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लास्ट कार्ड देख लेते हैं जिन्होंने भी ग्रुप वन सिलेक्ट किया है कि उनके पर्सन उन्हें प्यार करते हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है फाइनेंसेस एंड करियर इशू है रिलेशनशिप में, जैसे पहले भी मैं बताया था कि सेवन ऑफ डायमंड जो आया था। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ठीक है, ये अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और जो रियलिटी है वो आपको नहीं पता चलने देते कि इनके दिल में आपके लिए चल क्या रहा है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है, अपने सिक्योरिटी या फिर आपके पर्सन अभी जिस भी सिचुएशन में है अभी वहाँ से वो नहीं निकलना चाहते, ठीक है, और अपने ओपनली अपने दिल की बात वो इस वक्त नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त सेल्फ फोकस्ड हैं, ठीक है। सेल्फ फोकस्ड होने की वजह से या फिर उनके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये पर्सन इस वक्त आपसे ऐसा लग रहा है क्लोज्ड ऑफ टाइप का बिहेव कर रहे हैं। जैसे यहाँ सेवन ऑफ वैंड्स भी आया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप से अभी वो आपसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके लाइफ में बाकी करियर से रिलेटेड इश्यू हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर आप दोनों के बीच में क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम्स। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप वन सेलेक्ट किया था, होप आपको रेजोनेट हुई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर टू जिन्होंने एस ऑफ हार्ट कार्ड चूज़ किया, रीडिंग उनके लिए है। तो आपके लिए, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, मतलब नहीं पता, रिकॉर्ड हुआ पर गायब हो गया, तो इसलिए लाइव शफलिंग इसमें नहीं दिखा पा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जो कार्ड्स आए थे वो ये हैं, एस ऑफ डायमंड, फोर ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ स्पेड, टू ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ स्पेड, एंड ऑफ द डेक एस ऑफ स्पेड, और यहाँ पर आया है फाइव ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस और हैंगमैन। वर्थ वेटिंग फॉर, लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। देखिए, आपके जो पर्सन हैं क्या वो आपको प्यार करते हैं? इस वक्त आपके पर्सन के साथ आपका सेपरेशन है और इस सेपरेशन के वजह से आप बहुत नाराज़ हो, ठीक है, इस पर्सन से आप सेपरेटेड हो और नाराज़ हो क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ये इस पर्सन के कोई कलीग हो या फिर ऑफिस कलीग हो सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी ही हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। तो ये जो पर्सन है, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है तो ठीक है, वो थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी से उनके दिल में सिर्फ अट्रैक्शन है पर प्यार नहीं है, और इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से ही आपसे कट ऑफ किया है। देखिए, एस ऑफ क्लब है, फोर ऑफ क्लब्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप भी हुआ है और आपने हमेशा इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है, या फिर आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिले हो तो आपके पर्सन जब भी सोचते हैं आपके बारे में या इस सिचुएशन के बारे में तो थोड़ा एंजाइटी स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप आपने एंड ही कर दिया है पूरा। एस ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट, क्वीन, किंग ऑफ स्पेड, इस पर्सन को ऐसा भी मुझे लग रहा है कि हॉट एंड कोल्ड इनका बिहेवियर होता है, कभी कभी इनको आपके ऊपर प्यार आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, तो अभी इन्होंने आपके साथ डिस्टेंस बनाया हुआ है। और आप लोग के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था, आर्गुमेंट हुआ था किसी थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है, आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आप लोगों के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, या हो सकता है कि आप
इस पर्सन पे शक करते हो, ऐसा सिचुएशन है, और जहाँ कि उनको या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे बातें छुपा रहे हो या वो आपसे बातें छुपाते हैं, और एक रिलेशनशिप में बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, मतलब कभी रिलेशनशिप स्टेबल रहता है, कभी अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन आप दोनों के बीच बहुत होता है। अभी आपके पर्सन अपने फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं है। देखिए यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी है, अभी आपके पर्सन श्योर नहीं है इस फीलिंग को लेकर। यहाँ एंड ऑफ द डेक भी आया था, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन का फोकस ज़्यादातर अपने करियर और इन चीज़ों में इस वक्त ज़्यादा है, ठीक है, पैसे, पैसों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ट्रैवलिंग के बारे में अपना सोचते हैं, ठीक है। पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं सिचुएशन खुद से अनफोल्ड हो, ठीक है, ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पर देखिए कॉलिंग इन योर सोलमेट, लव योर सेल्फ फर्स्ट, वर्थ वेटिंग फॉर का भी कार्ड आया है, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है, अगर आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो कि यही पर्सन आपके पास वापिस आ जाए, तो आपको उस तरीके से विजुअलाइजेशन करना होगा, अपने पर्सन को उस तरीके से रोज़ आप इमेजिन करिए कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हो रहा है, एक आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, या थर्ड पार्टी यहाँ वर्क भी हो सकता है, ठीक है, आपके पर्सन अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है आपसे बात भी ना कर रहे हों, ठीक है, तो आप उस तरीके से विजुअलाइज करिए अगर आप इसी पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हैं। और अगर आप इस पर्सन आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आप पॉजिटिविटी अपने लाइफ में विजुअलाइज करिए कि आप, क्योंकि देखिए कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड आया है, इस सिचुएशन में आपको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक है, जो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है आप उसके पीछे पीछे मत भागिए। जब भी आप उस पर्सन को इग्नोर करने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो पर्सन जो है वो भी उसे रियलाइज होता है अपनी गलतियों का, ठीक है, अगर आप पीछे पीछे भागोगे तो वो आपको ग्रांटेड लेता है वो पर्सन, ठीक है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और डिवाइन पे भरोसा रखिए, ठीक है, अगर ये पर्सन आपके लिए नहीं है तो आप अपने आप गॉड से ये मैनिफेस्ट करिए, आप रोज़ मैनिफेस्ट करिए कि मुझे मेरा सुइटेबल सोलमेट मेरे लाइफ में आए, तो आप पॉजिटिव जैसे यहाँ लिखा है, योर प्रेयर्स affirmations एंड visualization हेल्प यू ब्रिंग टुगेदर, ठीक है, तो आपके सोलमेट से आप तभी मिल पाएंगे जब ये जो है आप मैनिफेस्ट करेंगे। और ऐसे अगर ये आपको लगता है कि रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो रहा है और ये पर्सन ने आपको बहुत लंबे समय तक, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन ने आपको कई साल तक इंतज़ार कराया है, या फिर एक साल भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आप इस पर्सन से मूव ऑन करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी इन्फ्लुएंस में लाइए और उस तरीके से विजुअलाइज करिए, ठीक है, आंखों के सामने ऐसे इमेजिनेशन करिए कि आप बहुत खुश हैं, आपके अगर आप चाहते हैं पर्सन आपके चेंज हो जाए तो आप उसी तरीके से विजुअलाइज करिए कि आपके पर्सन चेंज हो गए हैं, पूरी तरीके से आपको प्यार करते हैं, ठीक है, सारी नेगेटिव चीज़ें चली गई है, या फिर आप कोई नया अपना सोलमेट जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली 2-3 मंथ्स में आप रेगुलरली ये करेंगे तो आपके लाइफ में जैसा पर्सन आप चाहते हैं वैसे ही पर्सन आपको यूनिवर्स की तरफ से आपके लाइफ में आएगा या आएगी। तो ये थी रीडिंग। तो देखिए आप सवाल का जो है जवाब ये है कि अभी इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स नहीं है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सेल स्वभाव के भी हो सकते हैं, ठीक है, आप दोनों के जो लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता है, गुस्सेल स्वभाव के हैं ये पर्सन, और फिजिकल अगर आपके पर्सन आते हैं, क्योंकि इनके दिल में इस वक्त जो है इमोशंस नहीं है, ये अपने किसी और जगह अपने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है। होप आपको रेजोनेट हुई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।